प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना घर का सपना पूरा हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार की ये योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में भी इस योजना के तहत लोगों को बड़ी संख्या में लाभ मिलता दिख रहा है। उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर तहसील के मोतीपुर गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे चितरंजन राय को इस योजना का लाभ मिला है। मैं बच्चे मेरे बहुत परेशान थे, मेरा कच्चा मकान है, मैं बहुत परेशान थे। अभी मैं सुरक्षित है, मोदी ने मकान दिया है, आवाज दिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनके लिए, प्रणाम करता हूँ उसका। बहुत सुरक्षित है, हम बाल बच्चा लेके हम अभी सुरक्षित है। वहीं दूसरे लाभार्थी के परिवार वालों का कहना है कि पहले हमें झोपड़ी में रहकर जीवन यापन करना पड़ता था, अब सरकार की ओर से मकान बनने के बाद उन्हें काफी सुविधा हुई है। पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे, फिर सरकार ने घर दिया मेरी सास के नाम से, अब हम लोग अच्छी तरह से रहते हैं, खुश है। परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 वर्ग मीटर एरिया पर आवास बनाए जाते हैं। सरकार की तरफ से 1,30,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। हमारे जनपद में वर्ष 2021 और 22 में हमें जो लक्ष्य मिला था 2,716 का मिला था, तो 2021-22 तक हम 2,716 के लक्ष्य के सापेक्ष हम 2,431 आवासों का निर्माण अभी तक कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 22-23 में हमें माह दिसंबर में 1,360 पात्र लाभार्थियों के आवास हमारे द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो हमारी प्रतिशत सूची है उसके आधार पर, और इसमें से 1,110 को प्रथम किस्त अर्थात 60,000 रूपये की धनराशि वर्तमान तक जारी कर दी गई।